नसीब भाई खाना खा ले, ले जा, मुझे भूख नहीं। नेल्सन ले जा खाना शाबाशे, जा जाके देख। हौसला कर नसीब, तेरे पास ही छोड़ के गई है, तूने बच्ची का ख्याल रखना। मैंने तो उसके बगैर रहने के बारे में सोचा नहीं था कभी चाचा। जब लोग मर जाते हैं फिर वापस नहीं आते, लोग मर क्यों जाते हैं शाबू? मरना जीना जो है ये इंसान के हाथ में थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने कहा है संभाल अपने आप को। देख जब तू ऐसे रोती है ना तेरी नाक लाल हो जाती है और तू मुझे जरा छीन लेती है। शाबू देख तू बात को टाल मत, मुझे बता लोग क्यों मर जाते हैं? पता नहीं, अम्मी कहती हैं लोग अल्लाह मियां के पास चले जाते हैं और वो बहुत अच्छी जगह है ना जन्नत। लेकिन जन्नत में तो कोई नहीं होगा ना, मुशरबा जी अकेली होंगी वहाँ। अल्लाह ताला तो होंगे ना उनके पास, नाना जी भी होंगे और तेरी अम्मी और बुशरा की अम्मी भी होंगी। हाँ अम्मी और खाला तो होंगी उनके पास, पर अब मुन्ने का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा? बुशरबा जी तो मर गई। अपनी औलाद की हजर अपने आप को संभाल के रख, दुख दुख तो होता है। मुझे देख, मेरा दुख तेरे से कोई कम से नहीं, मेरी भी बेटी थी समझे, मैंने भी दिल पर पत्थर रखा। तू है ना, तू संभाल लेना उसे। हाँ ये ठीक है, मैं संभाल लूंगी। अरे मुन्ना तो रो रहा होगा, चल घर चले। अरे बच्चा जो है ये सारा को देख ले जाएगी। कहती थी मेरा काका होगा तो छत पक्की करवा के देगी। देखा तूने कितना ख्याल था उसे हमारा, हमारी परेशानी का, पर तुझे तो कोई परवाह ही नहीं है। मुझे क्यों नहीं है परवाह है, छत नहीं पक्की करानी। परवाह होती ना तो मलको से पैसे लेकर आता। बात की थी तारिक से, इनकार कर दिया पैसे देने से, कहते पहले का हिसाब साफ कर। मुराद इन्हीं बातों बातों में ना किसी दिन बारिश आ जानी है और बारिश की एक बूंद पड़ते ही ना छत गिर जाएगी। मैं क्या करूं, डाका डालूं, चोरी करूं? जो भी कर, लेकिन बारिश से पहले अपने बच्चों की हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी। मालूम है मुझे, कैसे भूल जाऊं चाचा। जब जब ये बच्चा रोता है उसके साथ मेरा दिल भी रोता है। मैंने रजिया को कहा है किसी औरत का इंतजाम करे बच्चे के लिए, बच्चे को दूध पीने को मिले, उसकी भी परेशानी कम हो, तेरी भी परेशानी कम हो। मेरी परेशानी तो अब सारी उम्र की है चाचा। रोएगा, मेरा भी दुख है, मेरी बेटी थी,
मैं मुकाबला कर लूं, समझे? तू भी हिम्मत कर। काश काश मैं तेरी जी तरह मजबूत होता। आराम कर फिर खाना खाई। नसीब से मांग देता था, अब तो अब नहीं हो सकता। तो किस मुंह से अपने बहनोई से पैसे मांग लेता है? और ज्यादा उस्तानी ना बनाकर, जब और भी पैसे नहीं देगा तो बहनोई से मांगूंगा। वो तो चाचे का बेटा है मेरे, भाई है मेरा, तो ज्यादा बोला ना कर मर्दों की बातों में, समझिए। वालों को पता चला ना तो थूकेंगे इसके मुंह पर। बहनोई से पैसे लेके खाने वाला मर्द। दिखाओ क्या बनाया, दिखाओ। कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है बुशरा की। भाजी बुशरा है इतनी खूबसूरत। सबके मैं जाऊं? आप कहीं जा रही हैं? राउंड्स पे जा रही हूँ ना बच्चे। अच्छा मैं भी चलूं, मैंने सायरा को देनी है। आ जाओ मैं नमाज पढ़ लूं, तैयार हो जाऊं, साथ आ जाना। सोची पिया ते बंदा आ गया। मैं तो कहता हूं दुकान में मेडिसिन डाल दो, काम शुरू कर। बार बार दवाइयों का मुझे ऐसे कहता है जैसे मैं दवाई डालना नहीं चाहता। और मैं तो कहता हूं दवाइयां डालें, कारोबार शुरू हो, पर पैसे कहां से लाऊं? ओ पैसा कहां से आना है, इसका कर ले इंतजाम। खर्चा बढ़ने वाला है ना। क्यों? सुना है भाभी उम्मीद से। सही है खबर, खर्चा आने वाला है। मैं कह रहा हूं इंतजाम कर ले। ऐसे अगर बेटा हुआ तो उसके बाप की सारी जमीन मेरे पास ही आएगी ना। और बेटा तो भाभी की बहन यास्मीन का भी है, और फिर तो टोटे होने हैं, समझा है? इसलिए कह रहा हूं अपना हिस्सा ले, काम शुरू कर। वैसे है बेटा ही है? सायरा आ जाओ। कैसी हो? ठीक हूँ। ये ले सायरा, बाजी बुशरा की तस्वीर बनाई है, कैसी है? बिल्कुल बाजी बुशरा जैसी, बस हमेशा की तरह आंखें बड़ी कर दी है तूने। इतनी मेहनत से बनाई है मैंने, संभाल के रखना इसे।
तू बहुत अच्छा है शाबू। आ जाओ चलो। मुराद तू? अब्बे ने कहा है कि काका खैरी के साथ रहेगा, सो जा जाके। लेकिन मुरादे, खैरी भाभी के ऊपर तो आगे बहुत काम है और उम्मीद से भी हैं। औरतों को आता है सब, इन सब चीजों के साथ ही पैदा होती हैं। यार उनके ऊपर और बोझ डालना ठीक नहीं है। उस तरह है ना उसके पास, तेरा काका बड़ा हिल गया है सहरा से। माँ की खुशबू आती है ना। यार मुरादे, तू क्यों दूसरों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है? तू छोड़ दे, मैं काके को संभाल लूंगा। चुप कर, काम सारे छोड़ औरतों पे और जाके सो जा। नहीं जानती कुछ भी हो तुम, अपने वापस नहीं जा रही, समझ आ गई है? खबरदार जो तुम वापस गई, कहीं नहीं जाना तुमने, इधर ही टिकी रहे। मार मार के हशर कर दिया, जाने की लोर पड़ी दी है। नहीं जा रही मैं, आप ही बात कर लेना उनसे। हाँ तो क्यों जाओ, क्यों जाओ? वो क्यों ना लेने आए तुम्हें, हैं? क्यों ना लेने आए? वो नहीं आते ना, नाराज हैं। ले, वो क्यों नाराज हैं? हैं? जमीन नहीं बेची ना इसलिए। जमीन की बात ना मुझसे कर, मासी जमीन बच्चों के लिए छोड़ के गई है। सितारा, शाबू, तेरे बच्चे, तालीम कहां से होनी है उनकी, पढ़ेंगे लिखेंगे कहां से? जमीन की बात ना मुझसे फिर करना। अब जाना है जा, मेरा मशवरा सुन लिया तूने? मैं राउंड्स लगा के नसीब भाई के यहां से होके आऊंगी, सुनती है नहीं किसी का। सितारा, सितारा, ओ किधर? यहाँ क्या कर रही? घर आई हूँ अपने। अपना घर? जो तूने इसे अपना घर समझा होता तो छोड़ के जाती? अब आ गई हूँ ना मैं वापस। तो वापस चली जाओ, अब यहाँ पे किसी को तेरी जरूरत नहीं है। है जरूरत, मेरी बच्ची को, इस घर को। और तेरी बेटी को भी तेरे बगैर रहने की आदत पड़ गई है। चल जा, राह पकड़ जा। सुन तो लेना मेरी बात, एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। और तेरी सारी खुशखबरियों पे भी नजर है मेरी। बेटा है? तुझे किसी ने बताया? सारे गांव में तू ऐलान करती फिरे और मुझे ही पता ना हो? मैंने तो किसी को नहीं बताया, अस्पताल में से शायद खबर निकली हो, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बताया। बेटे का मान रख रहा हूं, पर जो खबर झूठी हुई ना, तो तेरी और तेरी बेटी की पक्की छुट्टी। सितारा किधर है? सितारा, वे सितारा, मां को पानी पिला, प्यास लगी है। यकीन नहीं आ रहा कि तू मेरे नसीब में लिखी गई है। उंगली काट के यकीन दिलाऊं? चेहरा दिखा दे।
यकीन आ जाएगा। तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी? मर जाऊंगी लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकती। नसीब इतनी देर कब्र के साथ नहीं बैठते। मरते को मुश्किल होती है। कैसे जाऊं यार, मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे। चल उठ जा, लोगी कार कुलते इंतजार करने। तू जा, मुझे नहीं जाना। कर रही ना पूरी अपनी जिद। क्या बात कर रही तू, बाहर नहीं आती। क्या क्या रही है तो? घर गई है वापस। फिर तू तुझे कैसे पता चला? तो कपड़े नहीं बदल के आई? तेरा नाना जो है ना, बड़ा सियाना आदमी था। कहता है बच्चा अली छोटा है, इसके लिए सुतेली ना लेके आना, सगी माँ की बहन लेके आना। मैं क्या ठीक, अब तूने मान ली? क्या करता, तेरी माँ के साथ फौत तो नहीं हो सकता था ना, ना बच्चा संभाल सकना था। फिर मैंने तेरी खाला के साथ ब्याह कर लिया। नाना था कलमंद आदमी, अबे तू भी नाना है, कलमंद आदमी बन जा। सारा इतनी छोटी है, किस तरह कर सकता हूँ मैं यार? अबे औरत छोटी बड़ी नहीं होती है, औरत औरत होती है। सोचता बहुत है और इतना सोचा ना कर, अंकल चली जाती है बंदे की। खुद ही देख ले लहरा बच्चे को संभालती कैसे है। पानी पियोगे चाचा? हाँ पानी पिया दे। देखो तेरा 2 साल का दुख है, मेरा दुख इससे बड़ा है, समझे? लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया कि भाई अपने आप को काट पीट के दुख के सामने पेश कर दूं। मुकाबला किया है, सारा लाना गल नहीं तू मानता। मान दोबारा ब्याह कर। चाचा अलग से नवाला उतरता नहीं,
किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता और तू कह रहा है निकाह कर लो। मेरे साथ भी यही हुआ था। तेरी चाची फौत हो गई, मैंने कहा घर को कौन संभालेगा। फिर मैंने सारा की मां से ब्याह। मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगा चाचा, मुझे ब्याह नहीं करना। तू संभाल लेगा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, बच्चा नहीं संभलना, समझाइए। उनको मां की जरूरत है। इससे पहले कि मुशरा की खुशबू इस घर में खत्म हो, तू एक दूजी खुशबूदार चीज ले आ। सायरा से निकाल चाल। क्या हुआ तुझे सायरा, तू क्यों रो रही है? चुप करना। ओ खैरी आई। चल चुप करना। अगर तू चुप नहीं करेगी तो काके को चुप कौन कराएगा? और तुझे तो पता है ना, ये सिर्फ तेरी गोद में आके चुप करता है ना। अब रोना नहीं तूने, अच्छा मैं अभी आती हूँ। चुप कर, चुप। चुप हो गया है? हाँ जी, भूखा था बहुत ज्यादा, इसीलिए रो रहा था। बस अल्लाह के फैसले, इसका ख्याल रखने वाली तो चली गई है, चिलम में नहीं जल रही। मेरी चाल आ गया। वो नसीब भाई को भी रोटी भेजनी है। नहीं खानी नसीब में रोटी। चाल आ गया। मुराद, सायरा को किसी ने कुछ कहा है क्या? जब से नसीब भाई के घर से आई है बस रोए ही जा रही है। तो रोने की बात भी है, मुशरा माँ जैसी थी उसकी। मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही है, इतनी दफा पूछा मैंने उससे, बस रोए जा रही है। तेरा दिमाग ठीक है? उससे बात की है? वो घर में कोई मरता है तो रोते ही हैं। मेरा और अब्बे का सोच, हम तो रो भी नहीं सकते हैं। बुशरा को गुजरे हुए इतने दिन हो गए हैं, इस तरह अचानक आज सायरा का रोना। मुराद, बात कुछ और है। अपना दिमाग ना चला। सायरा का रोना, जा जाके चाल ले गया। बात कुछ और है। अरे तू क्यों मुंह बनाकर बैठी हुई है? मैं नहीं बोलती तुझसे। ये क्या बात है, आओ मेरे पास बैठो। क्या हो गया मेरी जान को,
मेरी गुड़िया मुझसे नाराज है क्या? भाभी कहती है कि तू शादी करके जा रही है। मैं तो कहीं नहीं जा रही। तो क्या भाभी झूठ बोल रही है? अरे नहीं, मेरी शादी नसीब से हो रही है, वो दो गली पीछे तो रहता है। तो फिर क्या तू मुझसे मिलेगी? और नहीं तो क्या, तेरा जब दिल चाहेगा तो तू मेरे पास आया कर, और मेरा जब दिल चाहेगा मैं तुम्हारे पास आया करूंगी। नसीब भाई नाराज तो नहीं होगा? वो क्यों नाराज होंगे, बड़ी बहनोई बाप और बड़े भाई की तरह होते हैं। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तो तेरी कौन शादी करवा रहा है? अभी तुम बहुत छोटी हो, जब मेरी उम्र की होगी ना तब करना शादी के बाद। मैं तब भी नहीं करूंगी। अच्छा, देखती हूँ मैं किस तरह से नहीं करोगी तुम शादी। देख लेना, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो दूसरों को छोड़ के चली जाए। तुम मुझे बुरा बोल रही हो? नहीं, मैं भी लगाऊंगी आपके लिए। ये देखो शादी के बाद इंसान को घर से जाना पड़ता है। मुझे नहीं जाना है घर से, मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मुझे नहीं करनी है। ये क्या कह रही है तू सायरा? क्या बोल रही है तू? देख भाभी, अब और भाई मेरी शादी करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं वो तेरी शादी? नसीब भाई से। तू रोना, तू फिकर ना कर, मैं करूंगी उनसे बात, चुप कर जा तू। मुझे नहीं करनी है शादी भाभी, मुझे नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं करनी है शादी। मेरी बच्ची। चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सायरा तो खुद छोटी सी है, वो काकी की जिम्मेदारी कैसे संभालेगी? नसीब, वह तेरे सोचने की गल नहीं है, वो मर्द के बस में ही नहीं है औरत को समझना। अरे बात सुन, तू सायरा के साथ ब्याह करने को राजी हो, आज इनकार करेगा तो कल दिन सुतैली माँ जब लानी पड़ेगी उसके लिए, तो फिर काके का क्या होगा है? चाचा जी, मैं कोई सुतैली माँ नहीं लेकर आने लगा, मैं अपने काके को खुद संभाल लूंगा। नसीब तू भूल रहा है, वो तेरा काका है छोटा, कल को औरत तो लानी पड़नी है। यार मुरादे तेरी बात ठीक है, लेकिन सायरा के साथ शादी करने मेरा दिल नहीं मान रहा। हम तेरा पला सोच रहे हैं, तू हमें इनकार कर रहा है, वो हमारे मुंह पे थूकने के बराबर है। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मसला क्या तुम्हारे साथ है? हाँ, पत्थर खाने से तो बहुत मजा आता है ना यहाँ पर। छोड़ ना, गलती से लग गई, मैं दरख्त को मार रही थी। अच्छा, तू तो बोर्ड के पेड़ से आम तोड़ रही थी ना। अच्छा छोड़ ना, जाने दे, देर हो रही है। दिल तो चाहता है कभी भी ना छोड़ूं तुझे। ऐसे ही झूठ बोलते, हिम्मत है तो अब्बा जी से जाके बात कर लो ना। बात कर ली है, तेरे से पूछेगा हाँ बोल दीजिए। अगर ना बोलूंगी तो चुप के ले जाऊंगा तुझे। हिम्मत है तो हाथ लगाओ। खुदा का खौफ कर मुराद, इतनी छोटी सी है तेरी बहन। और मेरी बहन है, तुझे क्या तकलीफ है? तो कुएं में डाल देगा उसे। अच्छा, तुझे ये तकलीफ है कि घर के काम काज में कोई हाथ बटाने वाला नहीं होगा? है उल्टी बात मत कर मेरे साथ, मेरे बच्चों की तरह है सायरा। और बच्चों की तरह है? बच्ची है नहीं तेरी, और नसीब का बच्चा भी अपनी बच्चों की तरह है। सायरा जाएगी तो उसके घर, शहर नहीं जा रही। अल्लाह से डर मुराद, अल्लाह से डर।
इतनी छोटी सी बच्ची का इतने बड़े बंदे से निकाह, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। शोर मत कर, एक लफ्ज अगर बोली है ना फिर देखी तू। बोलूंगी मैं और देखती हूँ किस तरह करता है तू निकाह उसका। अभी के अभी तुझे तलाक देके बाहर कर दूंगा। क्या क्या कह रहा है तू, मुझे तलाक देगा तू? हाँ दूंगा, कौन रोकेगा? बोल, तलाक देता हूं तुझे।